अवैध संबंध के चलते ठेकेदार को घर में बुलाकर जान से मारने का प्रयास किया गया है। घटना अजनी थाना अंतर्गत चंदन नगर की है और इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश कर PCR पर लिया गया। दो अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। चंदन नगर निवासी अमन शेड के मकान बनाने के ठेके लेता है। उसकी पत्नी मुंबई में रहती है, दूसरी पत्नी रोहिणी साथ में रहती है। पिछले 2 साल से अमन के अवैध संबंध एक अन्य महिला से हो गए। यह महिला अमन के पड़ोस में रहती है। उस महिला का अपने पति से अनबन है, इसलिए वह अलग रहती है। सोमवार को अमन उसी महिला के साथ घूमने गया था। यह बात महिला के भाई, माँ और अमन की पत्नी रोहिणी को पता चली। काल दिनांक 1/3/2021 रोजी रात्रि आम्हाला माहिती मिळाली की चंद्रनगर येथे एका इसमाला चाकू मारलेला आहे व तो गंभीर जखमी आहे। अशा सूचनेवर आम्ही घटनास्थळी गेलो तेव्हा तिथे माहिती आम्हाला मिळाली। जखमी अमर गौतम शेळके व 33 वर्ष राहणार चंद्रनगर याच्या यातील आरोपी नितेश संजय मस्के चंद्रनगर याच्या बहिणीसोबत त्याचे काही प्रेमसंबंध होते आणि या गोष्टीची माहिती नितेश मस्के आणि याच्या फॅमिलीला माहिती झाली होती। म्हणून त्यांनी रात्री 8 वाजताच्या सुमारामध्ये त्याच्या घरी मीटिंग बोलावली होती। त्या मीटिंगमध्ये त्याचे 2-3-4 मित्र पण होते, तसेच जखमी आणि त्याच्या पत्नीला पण बोलावले होते। या दरम्यान यांची चर्चा सुरू असतानाच आरोपी नितेश संजय मस्के, त्याचा साथीदार सुनयन अमरीश खर्चे व त्याचे आणखी 2 ते 3 साथीदार यांनी जखमी अमर गौतम शेळके यास हातभुक्कीने, चाकूने आणि लोखंडी रॉडने पोटावर, छातीवर, डोक्यावर मारून गंभीर जखमी केलेली आहे आणि सध्या तो बेशुद्ध अवस्थेमध्ये आहे। त्याचे उपचार मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये होत आहे। अमर शेळकेची पत्नी हिच्या रिपोर्टवरून, सौ पुष्पा हिच्या रिपोर्टवरून आम्ही कलम 307(34) भागवीप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। सोमवार की रात अमन को समझाने के इरादे से महिला के भाई ने उसे घर में बुलाया था। अमन अपनी पत्नी रोहिणी के साथ वहां पर गया। अवैध रिश्ते का हल निकलने के बजाय मामला उलझ गया और विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि तैश में आकर नितेश संजय मस्के चंद्रनगर निवासी ने सुनयन अमरीश खर्चे और अन्य 2 मित्रों की मदद से चाकू और लोहे के रॉड से अमन पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल अमन को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी बीच अजनी थाने के निरीक्षक विनोद चौधरी के आदेश पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर रात में ही नितेश और सुनयन को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार की दोपहर उन्हें अदालत में पेश कर 5 मार्च तक PCR पर लिया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।